फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करने के पहले एक ओवरऑल अवलोकन करते हैं मार्केट का कि 6 जनवरी 2021 में मार्केट ने परफॉर्मेंस कैसा दर्शाया। दोस्तों, तो बेंचमार्क इंडेक्स में एक गिरावट दर्ज की गई। ऑल्दो गिरावट मार्जिनल थी, केवल 0.38% से इंडेक्स रेड में क्लोज हुआ और इसके 50 स्टॉक्स में से 23 स्टॉक्स ग्रीन में थे जबकि 27 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए। दोस्तों, अगर हम निफ्टी जूनियर की बात करें दोस्तों, तो ये इंडेक्स भी एक छोटी सी गिरावट के साथ बंद हुआ। 0.19% की गिरावट इसमें दर्ज की गई। इसके 50 स्टॉक्स में से 20 स्टॉक्स जो थे वो ग्रीन में थे, 29 स्टॉक्स जो थे वो रेड में क्लोज हुए और दोस्तों एक स्टॉक ऐसा था जो अनऑल्टर्ड रहा और फ्लैट क्लोज हुआ। अगर मिड कैप की बात करें दोस्तों, तो मिड कैप इंडेक्स में एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखा गया दोस्तों और इस इंडेक्स ने एक छलांग लगाई। 0.82% की बढ़ोतरी से बंद होके इसने आउट परफॉर्म किया निफ्टी को और निफ्टी जूनियर को। इसके 50 स्टॉक्स में से 25 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए, 24 स्टॉक्स रेड में क्लोज हुए और एक स्टॉक ऐसा था जो फ्लैट टेरिटरी में क्लोज हुआ, अनचेंज्ड रहा। अगर हम स्मॉल कैप की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 में दोस्तों एक फ्लैट क्लोज हुआ, सिर्फ 0.09% की गिरावट दर्ज की गई। इसके 50 स्टॉक्स में से 19 स्टॉक्स ग्रीन में थे लेकिन दोस्तों 31 स्टॉक्स रेड में थे जो बेयर के डोमिनेंस को इंडिकेट करते हैं। चलिए देखते हैं बैंकिंग सेक्टर में कैसा परफॉर्मेंस रहा। तो निफ्टी बैंक दोस्तों एक मार्जिनली ग्रीन में क्लोज हुआ, 0.24% की बढ़ोतरी इसमें दर्ज की गई और इसके 12 स्टॉक्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनमें दोस्तों 6 स्टॉक्स ग्रीन में क्लोज हुए जबकि 6 स्टॉक रेड में क्लोज हुए, बराबरी का पड़ला नजर आया। अब चलते हैं दोस्तों प्राइस चार्ट पर और निफ्टी और बैंक निफ्टी में जानने की कोशिश करते हैं कहां पर है सपोर्ट और कहां पर है रेजिस्टेंस। दोस्तों तो दोस्तों आप देख रहे हैं निफ्टी 50 के डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट को और स्पॉट मार्केट में। दोस्तों आज की क्लोजिंग जो निफ्टी 50 की हुई 14146.25 पर मार्केट क्लोज हुआ दोस्तों, जो इस डॉटेड लाइन से दर्शाया गया है प्राइस चार्ट पर। दोस्तों एक गौर करने वाली बात है कि अगर इस चैनल को ध्यान से देखें तो अपर फाइबर में प्राइस ने यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ रिजेक्शन लिया, यहाँ रिजेक्शन लिया और प्राइस फिलहाल दोस्तों एक अपसाइड मोमेंटम का डिमिनिशिंग इफेक्ट हम देख सकते हैं। प्राइस के मोमेंटम में कुछ एग्जॉशन नजर आ रहा है। आज मार्केट गैप अप ओपन हुआ और गैप अप ओपन होने के बाद उसमें सेलिंग प्रेशर नजर आया दोस्तों। लोअर फाइबर को ध्यान से देखें तो प्राइस का सपोर्ट था, यहाँ सपोर्ट था, फिर इस जगह सपोर्ट था लेकिन ये एक एब्रेशन है दोस्तों जहाँ ब्रेकडाउन हुआ लेकिन प्राइस इसके नीचे सस्टेन नहीं की, तो ये एक नैरो राइजिंग चैनल को रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है प्राइस लाइन दोस्तों। अगर यहाँ पर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो इसको अगर आधार बनाकर दो चीजें, एक तो प्रायर इंपल्सिव वेव, इसका अगर प्यूमराशी एक्सपांशन खींचते हैं तो कल हमने चर्चा की थी दोस्तों 13,400 एक जो लेवल आता है 161.8% का एक्सपांशन लेवल है, तो इसका अपसाइड एक प्राइस ओवर एक्सटेंडेड होने के कारण एक करेक्शन की संभावना वहां से चालू हो सकती है। यस, कई बार प्राइस में मोमेंटम रहता है, एक लार्ज लोअर शैडो बन सकती है तो 14,500 तक भी जा सकती है लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद में करेक्शन की शुरुआत होगी। तो 13,400 के लेवल को फिलहाल हम फ्रेंड्स 14,000 इसको मैं करेक्ट करता हूँ, ये दोस्तों मैंने करेक्ट कर लिया, टाइपोग्राफिकल एरर हो गई थी। 14,400 पर 161.8% एक्सपांशन लेवल आ रहा है प्रायर इंपल्सिव वेव का। अब दोस्तों अगर यहाँ पे प्राइस एक्शन को हम समझते हैं तो एक कैंडल है जो रेफरेंस कैंडल बन सकती है, वो है 4 जनवरी 2021 की, जब प्राइस में भारी गिरावट दर्ज की गई और एक बुलिश पिन बार बना क्योंकि लार्ज लोअर शैडो इंडिकेट करता है कि प्राइस जब नीचे आई तो उसमें बाइंग आती हुई नजर आई दोस्तों। तो इसका जो लो है 13,950, क्योंकि हमें दिमाग में ये रखना है, हम ये सारी संभावनाएं कल के परस्पेक्टिव में तय कर रहे हैं 7 जनवरी 2021, क्योंकि ऑप्शन चेन की एक्सपायरी का
दिन है वीकली कॉन्ट्रैक्ट का दोस्तों। तो यहां पर इमीडिएट टर्म्स में 13,950 एक सपोर्ट के रूप में दिखता है, लेकिन एक अच्छा खासा सपोर्ट जो है वो 13,750 पर है, जिसकी चर्चा हमने की थी। प्राइस का यहाँ रिजेक्शन है, जिसका यहाँ पर एक ब्रेकअवे गैप के साथ में ब्रेकआउट हुआ था, तो यहाँ गैप भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो एक हेल्दी करेक्शन होगा, तो 13,750 एक सपोर्ट ग्रुप में एक्ट करेगी। लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म कल की बात करें तो 13,950 एक अच्छा सपोर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि 4 जनवरी 2021 की कैंडल ऐसा इंडिकेट कर रही है। और अपर साइड में और डाउन साइड में दोस्तों, ये आप देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, ये अपने आप में सपोर्ट के रूप में काम करेगी। तो हम कंक्लूड करते हैं कल के हिसाब से लेवल्स 13,950 सपोर्ट, 14,400 एक रेजिस्टेंस के रूप में हम निफ्टी में देख सकते हैं, क्योंकि अपर ये लाइन जो है ये भी रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी। कल का लेवल अगर यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो ये संभावना है कि यहाँ पर कहीं 14,400 अपने आप में प्राइस करेक्शन की शुरुआत होनी चाहिए। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं बैंक निफ्टी के प्राइस चार्ट पर और संभावनाओं को समझते हैं। तो दोस्तों ये देख रहे हैं बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में प्राइस चार्ट स्पॉट मार्केट में, और आज इसकी क्लोजिंग हुई है 31,997.9 पर, 31,797.9 पर दोस्तों। दोस्तों आपको याद होगा कि कल हमने इस रेजिस्टेंस के पिवट्स को ज्वाइन करके ट्रेंड लाइन खींची थी। प्राइस का रिजेक्शन मल्टीपल रिजेक्शन हम देख सकते हैं, और आज जैसी कल संभावनाओं को डिस्कस किया गया था कि ये एक लाइन रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करेगी, हम देख सकते हैं आज गैप अप प्राइस ओपन होती है और यहाँ पर एक प्राइस का रिजेक्शन हम फील कर सकते हैं। एक स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम इस स्पिनिंग टॉप का एक लार्ज लोअर शैडो है जो इंडिकेट करता है 31,500 एक अच्छा सपोर्ट है, क्योंकि इसके पहले मल्टीपल ये रिजेक्शन थे। तो कल के पर्सपेक्टिव में बात करें तो 31,500 एक सपोर्ट के रूप में ये इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर हम पिछली इंपल्सिव वेव को अगर आधार बना के एक्सपांशन चेक करें तो दोस्तों 127.2% एक्सपांशन 32,200 पे आ रहा है, जिसकी चर्चा हमने कल एनालिसिस में की थी, जब डेली मार्केट अपडेट निफ्टी एनालिसिस और बैंक निफ्टी एनालिसिस के साथ हम वीडियो लेके आए थे दोस्तों। तो इस जगह पे ध्यान से देखिए 32,000 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है। आज की कैंडल का जो हाई है दोस्तों वो है 31,982, नियरली दोस्तों 32,000। तो 32,000 से 32,200 का जो बैंड है वो सप्लाई बैंड के रूप में एक्ट करेगा। कल की बात अगर करें दोस्तों, डाउन साइड में 31,500 एक सपोर्ट के रूप में इमीडिएट हम देख सकते हैं, और ये सपोर्ट टूटा दोस्तों तो फिर इसको नेक्स्ट सपोर्ट है 31,100 पे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर एक कंसोलिडेशन बैंड है और उसके बाद में ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, तो इस बुलिश एंगल्फिंग कैंडल का एंटायर जो रेंज है वो अपने आप में एक डिमांड जोन की तरह काम करेगा। चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं निफ्टी ऑप्शन चेन एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के डेटा को, ताकि कहां पर है सपोर्ट और कहां पर है रेजिस्टेंस उसको जान सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों ऑप्शन चेन में हम कॉन्ट्रैक्ट जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है 7 जनवरी 2020, उसके पुट साइड में सबसे पहले निफ्टी में देखते हैं कि क्या सिचुएशन बन के नजर आ रही है। दोस्तों यहां साइन ऑफ कंफ्यूजन नजर आ रहा है, आप देखिए हाईएस्ट बिल्टअप यहां पर है जो 14,000 के स्ट्राइक प्राइस पे है, लेकिन अच्छी खासी अनवाइंडिंग भी हुई है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट हाइएस्ट जो बिल्टअप है वो इस जगह पर है दोस्तों, जो 13,900 पर स्ट्राइक प्राइस पर है, लेकिन इसमें भी अनवाइंडिंग हुई है दोस्तों। तो दोस्तों प्राइस एक्शन को ही वेटेज देते हैं, 13,950 का जो लेवल है वो एक सपोर्ट के रूप में नजर आ रहा है। अगर हम कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में हाईएस्ट बिल्टअप यहाँ नजर आ रहा है जो 14,200 के स्ट्राइक प्राइस पर है, और इसके बाद दोस्तों काफी अच्छा खासा बिल्टअप है 14,300 के स्ट्राइक प्राइस पर, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी साइन अप है दोस्तों, यहाँ पर एक हाईएस्ट बिल्टअप तो यहाँ पर है दोस्तों, ये है 14,500 पे। तो दोस्तों इसमें भी कंक्लूड करते हैं 14,400 से 14,500 का जो बैंड है वो एक रेजिस्टेंस और सप्लाई बैंड के रूप में एक्ट करेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं।
तो दोस्तों बैंक निफ्टी में हाईएस्ट पुट साइड में जो बिल्टअप है यहां पर नजर आ रहा है दोस्तों, जो स्ट्राइक प्राइस है 31,500 की, और प्राइस एक्शन एनालिसिस में भी ये एक सपोर्ट के रूप में हमने अभी चर्चा की दोस्तों। अब दोस्तों कॉल साइड में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक हाईएस्ट बिल्टअप है जो 32,000 के लेवल पे है, और प्राइस एक्शन एनालिसिस में भी 32,000 से लेकर 32,200 का बैंड एक सप्लाई बैंड के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि प्राइस ओवर एक्सटेंडेड होने के बाद कहीं ना कहीं करेक्शन और मीन रिवर्जन प्रोसेस एक नॉर्मल प्रक्रिया है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको आज का ये प्रेजेंटेशन पसंद आया है तो इसे ढेर सारे लाइक्स दीजिएगा, आपके कमेंट्स का हमें कमेंट सेक्शन में होगा बेसब्री से इंतजार, इसे शेयर भी करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को इनेबल करें ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें आने वाले नए वीडियो के अपलोड्स के बारे में दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे दोस्तों अति शीघ्र। देखने के लिए धन्यवाद, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें।